हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करने आया हूं। दो दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट का कॉल आया, उसने बोला कि सर एसएससी जेई मेंस जो मैंने इस बार दिया है उसमें उतना अटेम्प्ट नहीं हो पाया कि मैं एक जॉब को एश्योर कर सकूं। जनरली जब इस तरह के स्टूडेंट्स के बहुत सारे जब हमारे पास कॉल आते हैं गाइडेंस पर्पज़ के लिए भी, तब मेरा एक स्टैंडर्ड आंसर उनको ये रहता है कि कोई बात नहीं बेटा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो, आपने बहुत मेहनत करी है और आपको स्क्रैच से शुरू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अगली बार इसको अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन उस बच्ची का जो आंसर था उससे मैं थोड़ा चौंक गया, इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ इस वीडियो को लेके। उस बच्ची ने बोला कि सर मेरे पापा ने मुझे बताया है, मैं बोला है कि आपके पास आखिरी मौका है सरकारी एग्ज़ाम को देने का या सरकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का, इससे ज़्यादा टाइम हम आपको दे नहीं सकते क्योंकि आपके भैया की जो एग्ज़ाम फीसें हैं उनकी जो फ्यूचर है उसके बारे में उसमें उनको इन्वेस्ट करना है। जनरली जो लड़के होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन लड़कियों की ये वाली जो प्रॉब्लम है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने की, ये बहुत हमेशा बैकहेंड पर रह जाती है और बहुत सारी चीज़ें वो अपने अंदर रख लेती हैं अपने पेरेंट्स के इमोशंस को समझने के लिए, सोसाइटी के इमोशंस को समझने के लिए। लेकिन आज उन सभी, ये वीडियो मेरा उन सभी गर्ल्स को एड्रेस कर रहा हूं, मैं उन सभी गर्ल्स को एड्रेस कर रहा हूं जिन्होंने अपने लिए कुछ बड़े सपने देखे थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं कि कुछ रीत जगत की ऐसी है यहां हर सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, और क्यों इस जग की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कुछ ना कुछ आपको कहते रहेंगे। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे तब भी लोग कहेंगे, अगर आप फेलियर हो जाओगे तब भी लोग कहेंगे। तो जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरा ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने सपनों के लिए अगर आपको स्वार्थी बनना पड़े, अपने सपनों के लिए अगर आपको लड़ना पड़े, अपने परिवार से लड़ना पड़े, अपने आप से लड़ना पड़े, तो उसमें आपको पीछे नहीं हटना है। मैं आपके साथ हूँ, मेरी गाइडेंस आपके साथ है, मेरी पूरी टीम आपके साथ है, बहुत सारे रिजल्ट्स आपके लाइंड अप हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स रिजल्ट आ चुका था, काफ़ी स्टूडेंट का उसमें मैसेज आया है, उसके बाद एसएससी जेई मेंस का रिजल्ट अभी लाइंड अप है, गेट का रिजल्ट भी आने वाला है। इस समय पूरी सोसाइटी की नज़रें आप लोगों के ऊपर होगी, ये चीज़ देखने के लिए नहीं कि आप कितने लाइफ में सक्सेसफुल हुए, ये देखने के लिए कि आप कितने डीमोलराइज हो गए, आप क्या वापस गिर के उठ सकते हो, या क्या आपने ज़िंदगी में ये चीज़ जो है आप किस तरह से आपके ऊपर पॉइंट आउट किया जाएगा। ये सारी ये जो टाइम है, रिजल्ट वाला टाइम है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, अपनी हिम्मत को, अपने विल पावर को हमेशा से ही मतलब बहुत मजबूत रखना है, और मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। थैंक यू।